सो गाइस वेलकम बैक टू आवर टी व्लॉग्स एक बार फिर से फॉर ब्रांड न्यू वीडियो। भारत काफ़ी ठंडा है इसलिए शूट हम अपने रूम में ही करेंगे। थोड़ा सा वेट भी दिया था मैंने सो इट डजंट लुक एम्बैरेसिंग। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुमने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी कि मेलबर्न के आउटस्कर्ट्स में इट ऑलमोस्ट टच लाइक -4 degrees विच वॉज द कोल्डेस्ट इन लाइक 4-5 years। तो भाई काफ़ी ठंडा है इस बार, बारिश भी हो रही है ऊपर से, तो काफ़ी बढ़िया खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वाई डिड आई चूज बर्थ। ठीक है, साफ शब्दों में, एंड आई एक्चुअली बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू पुट दिस वीडियो, क्योंकि काफी लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि हमें पर्थ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या कोई और ऑस्ट्रेलियन सिटी जाना चाहिए। एंड ऑल्टरनेटिवली मुझसे भी लोग पूछते थे भाई कि यार ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, सिडनी है, दो फेमस डेस्टिनेशंस ब्रिस्बेन है, एडलेड है, तो काफी लोग पूछते थे आप लोग वहां क्यों नहीं गए। ठीक है, व्हाई डिड यू स्पेसिफिकली चूज पर्थ, यार आपका कोई रीजन था या फिर आप ऐसे ही चले गए। एंड पर्सनली मेरी तो लाइक डिस्टेंट फैमिली ऑल्सो स्टेज इन सिडनी, मैं स्टिल सिडनी नहीं गया, तो क्या रीजन थे उसके पीछे मैं तुमसे वो शेयर करने वाला हूँ। तो भाई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होगी लाइक कि मैं तुम्हें 25-30 पॉइंट बता दूँ और तुम और ज्यादा कन्फ्यूज हो जाओ। आई टेल यू लाइक 6 or 7 पॉइंट्स जो मैंने कंसिडर किए थे पर्सनली बिफोर मूविंग हियर, एंड आई थिंक दोज पॉइंट्स कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट क्लैरिटी कि तुम्हें भी पर्थ आना चाहिए या नहीं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद या तो तुम श्योर हो जाओगे ठीक है भाई पर्थ आना है, अगर वो फैक्टर्स तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हैं तो, एंड इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए मेक श्योर यू शेयर इट विद फ्रेंड्स और समवन हु माइट नीड इट। ठीक है, और आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के अंदर भाई तुम्हें काफी क्लैरिटी मिल जाएगी इन पॉइंट्स के ऊपर। सो बिना देरी करते हुए लेट्स डिग इनटू इट। तो भाई पॉइंट्स में सबसे पहले हम क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ऑब्वियसली होगा कोर्स सिलेक्शन का। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा बट बेयर विद मी। ठीक है, तो मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड से, बेसिकली मैंने स्कूल में साइंस ली थी, पीसीएम वाले हम भी, और जब वो ट्वेल्थ खत्म की मेरे को लगा था यार ये मैं ना पूरी लाइफ नहीं कर सकता, आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना है, बेसिकली आई वांटेड टू गो इन बिजनेस। तो मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए लिया। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ली बिकॉज दैट टाइम काफी हॉट टॉपिक था, वो भी खत्म हो गया। फिर मेरे को था कि यार इसमें ही आगे जाना है। ठीक है, उस वक्त मैंने सोच लिया था कि मेरे को मास्टर्स करनी है, एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट MBA इन इंडिया, बट भाई हर बंदा करता है, हर दूसरा बंदा करता है और पहुंचता कहीं पे भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड कि भाई मुझे जाना है अब्रॉड। ठीक है, और अब्रॉड में भी ऑस्ट्रेलिया की क्लैरिटी नहीं थी, काफी रिसर्च की मैंने और उसके बाद में वो क्लैरिटी आई कि ओके आई वांट गो टू ऑस्ट्रेलिया। फिर मैंने बिजनेस स्कूल ढूंढने शुरू किए। ठीक है, अब बिजनेस स्कूल का मेरा पर्पस था कि लाइक मुझे करना तो कोई बिजनेस कोर्स ही था, मास्टर्स करनी थी बट स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस स्कूल। ठीक है, अब आप ये समझो कि एक कॉलेज है जो सारे कोर्सेज करा रहा है और एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ फोकस है बिजनेस एंड लॉ एंड मैनेजमेंट पे, तो इट्स नो विनर कि उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर कोर्स होगा। तो इनिशियली मेरा प्लान था ब्रिस्बेन जाने का, ब्रिस्बेन में लाइक ऑलमोस्ट सब चीज़ें फाइनलाइज भी थी, बट देन मैंने रियलाइज किया कि जो मैं कोर्स वहाँ पे करना चाह रहा था वहाँ वो मुझे मिल रहा था 1.5 years का। ठीक है, एंड टू गेट अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यू नीड टू डू अ मास्टर्स फॉर एटलीस्ट 2 years। ठीक है, तो वहाँ वो मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पर्थ चलते हैं, वहाँ पे सेम कोर्स 2 साल का है एंड इट्स इवन बेटर। तो ये था मेरा इनिशियली मोटिव यहाँ आने का, क्योंकि कोर्स मेरे को अपनी मनपसंद का मिल गया। ठीक है, एंड जिसको ना पता हो पर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द एजुकेशन सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि स्टेम कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया में तो ऑब्वियसली। स्टेम इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि इन कोर्सेज के लिए कैसा है पर्थ, तो दैट इज एक्सट्रीमली गुड। तो दिस वॉज वन ऑफ माई मेजर रीजन टू सिलेक्ट पर्थ। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि यहाँ पे जो रिसर्च फैसिलिटी है दैट इज एक्सेलेंट एंड इज बेटर देन मोस्ट ग्लोबल सिटीज। ठीक है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ग्लोबल सिटीज। अब जैसे इफ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स एंड तुमने रिसर्च की होगी, यू मस्ट नो कि एक होता है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क और एक आता है मास्टर्स बाय रिसर्च। ठीक है, तो जैसे मास्टर्स बाय रिसर्च करते हो तो भाई रिसर्च की तो मतलब मैंने कभी इंडिया में होते हुए इमेजिन नहीं किया था कि ऐसी ऐसी रिसर्च फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, एंड दैट टू फॉर स्टूडेंट्स, हम तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल जैसे हमने एक नेटवर्क ऑडिट किया था एक बिल्डिंग का, उसकी हमें सिक्योरिटी वो निकालनी थी वल्नरेबिलिटी, सो इट वॉज अ रियल लाइफ बिल्डिंग, सॉरी रियल लाइफ प्रोजेक्ट था, 11 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें हमने नेटवर्क ऑडिट किया कि क्या क्या इसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, विच कैन बी इजीली एक्सप्लॉयटेड, व्हाट कैन बी डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो बहुत मतलब बिल्कुल रियल लाइफ प्रोजेक्ट था एंड दैट वॉज अ पार्ट ऑफ आर रिसर्च। सिमिलरली SAP अगर तुम सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो हमने उस पर भी रिसर्च की थी, एंड SAP इज वाइडली यूज्ड इन लॉजिस्टिक्स और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स काफी फेमस है, तो उसमें भी हमने रिसर्च की थी विच वॉज फ्रॉम बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच, उसकी पूरी लाइफ साइकिल दिखाना, प्रोडक्शन से लेके मैनेजमेंट से लेके अकाउंट से लेके, इट वॉज लाइक अ 6 month रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड अगर तुम उस टाइप के बंदे हो जो एंथुजियास्टिक हो पढ़ाई को लेके, ऑब्वियसली जो तुमने सेलेक्ट की है दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। एंड ये पॉइंट मैं इसलिए दोबारा बोलूंगा क्योंकि मैंने कई बार लोगों को कहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे होते हो ना, मेक श्योर यू सिलेक्ट द कोर्स जो आपको पसंद हो। ठीक है, काउंसलर तो बोलता रहेगा आपको ये अच्छा कर लो, आप इसमें अच्छा कर लो, आप ये ले लो, बट सबको छोड़ो भाई, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। एंड अगर तुम अपना मनपसंद कोर्स लोगे ऑस्ट्रेलिया में आके तो ही उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे,
दैट इज द बॉटम लाइन, ठीक है। बाकी जो मर्जी कोई भी बोलता रहे, डोंट लिसन टू देम। अब वैसे तुम्हें कोई थर्ड पर्सन एक कोर्स पकड़ा दे, जितना मर्जी अच्छा हो, तुम्हें पीआर मिल रहा हो उसमें, ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्या फायदा। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये था दैट इट इज, इट हैज एक्सलेंट रिसर्च फैसिलिटीज फॉर समवन लाइक मी हु इज एंग्रॉस्ड इन रिसर्च। तीसरा भाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब अगर सिर्फ तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, ठीक है, तो पर्थ में अगर तुम स्टूडेंट हो, यू गेट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज ट्रेन एंड बसेज, ठीक है। 40% काफी होता है अगर तुम $4 दे एक जगह जाने के, इट ऑलमोस्ट कट्स डाउन टू अ लॉट इफ यू सब्ट्रैक्ट 40% फ्रॉम इट। सेकंड बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज 19% चीपर इन पर्थ देन मेलबर्न स्लैश सिडनी। तो तुम हिसाब लगा सकते हो, अगर तुम्हें एक कमरा मेलबर्न में एक्स प्राइस का मिल रहा है, तो तुम्हें सेम कमरा पर्थ में -19% मिलेगा। तो दैट इज अगेन अ बिग लीप, क्योंकि यहाँ पे देखो हम पार्ट टाइम वर्क करते हैं, कैजुअल वर्क करते हैं, पैसा सब कुछ चाहिए होता है। बहुत लोग लोन लेके आते हैं, दे नीड टू पे द लोन एज वेल, दे नीड टू पे द फीस एज वेल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर तुम्हारी कम होगी, तो तुम वही पैसा जो बचेगा, यू कैन इन्वेस्ट इट और पुट इट समवेयर एल्स, व्हिच इज आई थिंक अ बिग हेल्प फॉर स्टूडेंट्स। चौथा पॉइंट भाई वेदर का बात करते हैं, ठीक है। वेदर देखो, आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसको ना गर्मियाँ पसंद है। तुम मेरे को 45 डिग्री गर्मी में फेंक दो, आई एम ऑल राइट विद इट, बट ठंड मैं एक डेढ़ महीने से ज्यादा ना सहम नहीं कर सकता। इट्स इन माई ब्लड, ठीक है। तो जो लोग ईस्ट कोस्ट जाते हैं, सिडनी मेलबर्न टैस्मेनिया आर प्रीटी कोल्ड, जीरो सब जीरो टेम्परेचर वहाँ जाते रहते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया का एक ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे ना मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। नाउ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज बेसिकली रेन एंड विंटर टुगेदर, ठीक है। इंडिया में आदत होती है, देखो जुलाई अगस्त में बारिश होनी है, बहुत गर्मी होती है, तो बारिश हम माइंड नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए इट्स लाइक अ रिलीफ कि ठीक है भाई इतनी गर्मी से हम कर ली, थोड़ी बारिश मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। बट यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है ना, तो बंदा ना पक जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्थ की। पर्थ में विंटर्स आर रिलेटिवली शॉर्ट, आई थिंक विंटर्स के महीने होते हैं मई जून जुलाई एंड मिड सेप्टेम्बर, थोड़ी बहुत बारिश होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे साल भाई मस्त धूप रहती है। आई वोंट से इट्स एक्सट्रीमली हॉट, बट हाँ देखो दिसंबर जनवरी फरवरी आर एक्सट्रीमली हॉट। तो मैं वो टाइप का बंदा हूँ जो मेरे को ना हीट पसंद है, सो आई कैन एक्चुअली टेक इट। पर्थ इज ऑल्सो द सनीएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम अगेन स्टार्ट की बात करो तो। और भाई अगर तुम्हें वार्म एंड सनी वेदर पसंद है, इफ़ यू वॉन्ट बीच वाइब्स, तो पर्थ इज द प्लेस फॉर यू। मैंने शायद पहले बताया कि नहीं बताया, बट बीच इज अ वेरी फेमस हियर, काफ़ी वर्ल्ड क्लास बीचेज हैं। और वेदर अगर तुम एक पर्सन हो जिसको सर्दियाँ नहीं पसंद, और अगर तुम्हें वेदर इज यू लाइक सनी, देन अगेन दिस इज द प्लेस फॉर यू। पांचवी बात कर लेते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। तो ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब और कैजुअल वर्क तो हम एज अ स्टूडेंट करते ही हैं, वो तो हमें करना ही है, चाहे तुम रेस्टोरेंट में करो, चाहे तुम उबर करो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं जो तुम अपनी ग्रेजुएशन और डिग्री खत्म करने के बाद जो जॉब ढूंढते हो, ठीक है, जो फुल टाइम जॉब तुम ढूंढोगे, जो तुम अपने TR पे करोगे 3 साल के लिए। तो अनदर स्टैट अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि जो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसकी जो 30% कंपनी है, जैसे अगर 100 कंपनी है उसमें, तो 30% ऑफ दोस कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पर्थ में। मतलब दिस इज अ बिग थिंग, इवन दो लोग कहते हैं इट्स एन आइसोलेटेड सिटी, पर ज्यादा लोग जाते नहीं, इट्स नॉट अप टू द मार्क, बट अगर तुम देखो स्टॉक मार्केट की 30% से ज्यादा कंपनीज अगर पर्थ में हेडक्वार्टर्ड है, देर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, वो पागल तो है नहीं, ठीक है। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द सेक्टर्स। और अगर मैं तुम्हें 5-6 मेजर सेक्टर्स बताऊं जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स होती है, तो उसका भी लिंक है मेरे पास। हाँ, तो द टॉप 5 इंडस्ट्रीज सीकिंग द मोस्ट जॉब्स, और ये डेटा 2019 से लेकर 2022 गई है, सो विद इन दोस 3 ईयर्स। सबसे ज़्यादा अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊँ तो दे आर माइनिंग, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, गवर्नमेंट एंड डिफेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कम्युनिटी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो अगर तुम लोग लॉजिस्टिक्स का प्लान कर रहे हो आने का, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, नो ब्रेनर, गो फॉर इट। 6th पॉइंट की हम बात करते हैं कि सेफ्टी, ठीक है। अब जब भी कोई बंदा इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री से आ रहा होता है, ही हैज़ टू मेक श्योर कि द प्लेस इज सेफ। बिल्कुल तुम एक डॉजी जगह पे नहीं चले गए जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे हिप्पीज और जंकीज घूम रहे हैं, ठीक है। इट्स अ फैक्ट कि देखो ऑस्ट्रेलिया में जंकीज एंड हिप्पीज काफ़ी हैं, सिटी में तुम्हें काफ़ी मिलेंगे, बट इट्स नॉट इनफ टू से दैट कि ठीक है यार ये सिटी अनसेफ है। तो पर्थ इज़ वेरी सेफ। काफी लड़कियां मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ इज इट फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। गर्ल्स के लिए भी सेफ है, एंड ओवरऑल भाई यहाँ के ना लोग बहुत फ्रेंडली हैं। लोगों के माइंड में एक तो बहुत मतलब फ्रेंडली, तो मैं बता ही चुका हूँ कि दे आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली। सेकंड थिंग इज कि दे आर वेरी कम्युनिटी माइंडेड, तो अगर उनके सामने कोई गलत हरकत हो रही होगी, दे वोंट स्टैंड बैक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है तो दे विल बी कीप वॉचिंग। काफी कम्युनिटी माइंडेड है, तो दे टेक एक्शन देयर एंड देमसेल्व्स, सो आई थिंक दैट व्हाट मेक्स पर्थ अ वेरी सेफ सिटी टू लिव इन। 7th यहाँ की बात करेंगे लाइफस्टाइल की, ठीक है। लाइफस्टाइल के देखो बहुत एस्पेक्ट हो सकते हैं, बट मैं यहाँ बात करूंगा सिर्फ कि लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क एंड टुवर्ड्स एंजॉयमेंट, ठीक है।
तो जैसे लेट्स से जो बंदे यहाँ पे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अगर वो 9 to 5 अपना फुल दे रहे हैं ऑफिस जॉब्स को, ठीक है, मतलब 9 to 5 फुल डेडिकेशन अपने काम की तरफ, तो 5 के बाद वो जो फन करेंगे वो पूरा डेडिकेशन फन की तरफ होगा। एंड आई नो इंडिया में इट्स अ सैड रियलिटी कि जो बंदा मतलब 10-12 घंटे काम कर रहे होते बंदे, दे कांट इवन गिव टाइम टू द फैमिली, दे कांट इवन गो आउट फॉर ड्रिंक फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर बंदा जो काम कर रहा है ना उसको वो 100% कर रहा है, दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। क्योंकि अगर कोई 9 to 5 जॉब करके बंदा निकला है ना तो ही विल बी टोटली रिफ्रेश्ड। ऐसा नहीं है कि उसने 9 घंटे काम किया तो ही हैज गिवन हिज डेडिकेशन, पूरा काम किया, बट आफ्टर दैट फेज इज ओवर जो नेक्स्ट स्टेप जो है उसके डे का, ही विल बी टोटली इंग्रॉस्ड इन दैट। तो आई थिंक इसलिए यहाँ पे बंदे सैटिस्फाइड भी अपनी जॉब से, इसलिए बंदे यहाँ पे खुश भी हैं, दैट्स द रीजन दे हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम एज वेल आफ्टर देयर ऑल सैटिस्फाइड। आठवें पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज कि डब्ल्यू ए स्पेशली, इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्थ बट डब्ल्यू ए इज वेरी एडवेंचरस, ठीक है। इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको रोड ट्रिप्स पे जाना पसंद है, जिसको सिटी एक्सप्लोर करना पसंद है, माउंटेन ट्रैक्स पे जाना है, माउंटेन ट्रेल्स पे जाना है विद साइकिल एंड स्टफ, देन दिस इज द सिटी फॉर यू। बिकॉज आई थिंक कि मेलबर्न एंड सिडनी की जो स्टेट वाइज, अगर तुम सिटी से जब तक बाहर नहीं निकलते यू कांट फाइंड विल्डनेस, ठीक है, विल्डनेस इज बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड एरियाज। पर्थ में तुम्हें विद इन द सिटी, नियर अबाउट द सिटी में तुम्हें काफ़ी ऐसे एरियाज मिल जाएंगे विच आर अनएक्सप्लोर्ड। And I think if you are that kind of person, अगर तुम एक traveler हो, you like traveling, I think WA is the place to be. It's the biggest state in Australia. More than 92% of the state is still unexplored. Like it's all in the wilderness. So I think that will give you a big bonus. So guys, thank you for watching this video. I hope थोड़ी लंबी होगी वीडियो, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि सारे पॉइंट्स की तुम्हें ना पूरी समझ आ जाए अंदर से, अच्छे तक अंदर से बिठा लो अपने सीने में ये बात। एंड ये मेरे फैक्टर्स जो मैंने माइंड में रखे थे बिफोर कमिंग टू पर्थ, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक ऐसे कोई फैक्टर्स है जो कि बिल्कुल डील ब्रेकर था। छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं कि ऐसे मेरे को ओवर द टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है, बट दीज वर द मेन फैक्टर्स विच आई कंसिडर्ड। एंड आई होप कि इससे तुम्हें भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि पर्थ में ये एडवांटेजेस हैं, एंड इफ यू थिंक दीज आर द थिंग्स दैट यू वॉन्ट एक्सपीरियंस, पर्थ इज द प्लेस टू बी। मैं तो सबको कहता हूँ भाई, पर्थ में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आई डोंट थिंक इन द कमिंग 2 years आपको और कहीं मिल सकती हैं। क्योंकि लॉजिकली देखो, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी, दे आर रीचिंग देयर सैचुरेशन पॉइंट एंड पर्थ हैज ओनली जस्ट बिगन। तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर व्हाट द पीपल वांट एंड व्हाट द कंपनीज वांट एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप तुम्हें पसंद आई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।